लोगों के साथ बदसलूकी की शिकायतें आम होती जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसे बाबा के संग बदसलूकी हुई है, उसके अज्ञात तरीके से हमला हुआ है, जो गुजरात का बाबा है, यानी वही गुजरात जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बाबा की कहानी सुनने के बाद तो साफ लग रहा है कि बाबा के संग न केवल सड़क पर अत्याचार हुआ है, बदसलूकी हुई है, और घायला अवस्था में उसे रहस्यमय तरीके से कुछ लोग छोड़कर मरने के हालत में जिला अस्पताल से चले गए थे। बाबा को कुछ दिन इमरजेंसी में रखा गया, कुछ घंटे बाद में सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बाबा का कहना है कि न भर्ती करने वाले का रिकॉर्ड कहीं पता लग रहा है, किसने उनको भर्ती किया, न केवल उनके सामान का पता लग रहा है। बाबा यहाँ तक कह रहे हैं कि वो इस मामले में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के और सीनियर नेताओं से बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री को भी बताएंगे कि उनके संग बरेली में क्या क्या हुआ है। अस्पताल प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस के एक अधिकारी ने उनकी व्यथा तो सुनी, लेकिन उनके समाधान की तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। बड़ी भीड़ जिला अस्पताल में जमा है तीमारदारों की। बाबा अपनी व्यथा मीडिया के सामने कह रहे हैं, अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आइए हम दिखाते हैं बरेली में जिला अस्पताल के अंदर बाबा ने क्या क्या कहा है, बाबा ने क्या क्या आरोप सरकारी मशीनरी पर जड़े हैं। गुजरात के जहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इनके संग बरेली में जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, इनकी पीड़ा सुनने लायक है। हम दिखा रहे हैं बाबा जो CMS ऑफिस के सामने न्याय के लिए खड़े हैं, और सैकड़ों लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि बाबा को न्याय मिलेगा भी नहीं, इनका इलाज होगा भी नहीं, इनके गुम सामान जो बहुत महत्वपूर्ण सामान है उसको आखिर कहाँ से कैसे बरामद कर पाएगी पुलिस। यानी देश के चौकीदार जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उस देश के चौकीदार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिले के एक बाबा के संग बरेली में जो बदसलूकी हुई है वो वाकई चिंता की बात है। हम सुनवा रहे हैं आपको बाबा की बात। अच्छा, आप अगर किसी व्यक्ति ने हमारे साथ ही सहानुभूति दी तो हम सहानुभूति भाई हम शुभकामना उसको दें कि आपने अगर वाले हमें यहाँ लेकर के आए तो भाई तो हमारे आधा सामान एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? एक्सीडेंट हम शुक्ला से ये आ रहे थे ये जंक्शन, तो मैं नैनीताल से आया तो हमको गर्मी का एहसास हो रहा था, मैंने थोड़ी बूंद पड़ रही थी, मैंने कहा चलो थरावट आ जाएगी, हमने सामान लिया पैदल जा रहे थे, चक्कर मारी पूरे शरीर में। हेलो, कहाँ टक्कर कहाँ लगी थी? कहाँ पे किस स्थान? चौपला से आधी दूरी हम आ गए थे जंक्शन, तो देखिए आपका सामान कहीं पुलिस चौकी जंक्शन पे रखा था ना? नहीं तो हमने एक जो पता किया आगे वगैरह हो गया शहर में बहुत हाँ तो पहचान में रहा है सारी डायरियाँ वो डायरियाँ वहाँ देश विदेश के फोन आए, नहीं तो मैं स्वास्थ्य मंत्री को फोन नहीं करता। स्वास्थ्य मंत्री कौन हाँ तो हमें अपने एक दूसरे का फोन नंबर मालूम था, तो अच्छा मैंने कनेक्शन बैंक सुबह हमने फोन किया तो हमारा शिक्षा आ गया वहाँ पर, फालतू लोग क्यों खड़ा शिक्षा आ गया वहाँ पंचायत है वहाँ, तो उसने कहा और वहाँ के वो लोग थे वो मुस्लिम थे, मतलब उनका व्यवहार बहुत ही क्रूर। अच्छा आइए मैं दिखवा देता हूँ कौन लेके आया है के साथ कुर्ता भर्ती कौन लोग थे वो उस समय 9 बजे जो वार्ड बाय जो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं बाबूजी उन लोगों ने। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था आपका? एक्सीडेंट हम चोपला से पैदल आ रहे थे बाबूजी, इधर आ जाए, पैदल आ रहे थे यहाँ बरेली जंक्शन इधर, हाँ तो मैंने अंदर डॉक्टर से कहा भी पूछा भी, हम दीवार पकड़ के चल रहे हैं तो हमने कहा ये बताइए हमको यहाँ छोड़ करके कौन गया, तो होश की हालत में थोड़ा आ गया था, तो उन्होंने कहा कि आप अपना पता लिखाइएगा फिर उसका पता चल जाएगा कि कौन यहाँ आपको छोड़ के चला गया है। अब हम तो अचेत बिस्तर पर। आपका स्थान कहाँ है? मेन स्थान हमारा गुजरात में है और यहाँ हमारा कानपुर में भी ब्रांच है, शाखा है। कौन से मठ से जुड़े हैं? श्री द्वारका शारदा मठ द्वारका साहब। क्या शुभ नाम बाबा आपका? जगत गुरु शंकराचार्य त्रिलोकी स्वरूप तीर्थ, तो हमारे वक्त आते रहते हैं अखबार। जगत गुरु शंकराचार्य त्रिलोकी स्वरूप तीर्थ, त्रिलोकी स्वरूप से तीर्थ। हाँ अच्छा। तो इन्होंने डॉक्टर ने क्या लिख दिया उसमें सेल्फ लिख दिया, आज हमको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने कहा उनसे मुख्य वो जो
सिस्टर हैं, तो वो फाइल बोले आप हस्ताक्षर नहीं करना मेरे को, मेरे को आप ये बताइए कि हमको लेकर के कौन आया। तो उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी में जाइए, वहाँ आप पता करिएगा। तो यहाँ आया तो यहाँ ये अधीक्षक भी नहीं है और अपर निदेशक भी नहीं है, दोनों। हाँ, तो अब हम तो पूरे शरीर से घायल थे, देखिए पूरा पूरे शरीर में ये सब शरीर की हाथों में पैरों में इनमें सब में चोटें थी। अब इन्होंने लिखा दिया कि सेल्फ, तो सेल्फ लिखा दिया तो सेल्फ से कैसे पता चलेगा, हम वहाँ से पैदल चले आए क्या? हम पैदल चलने की आज थोड़ी स्थिति में आए, वहाँ से अपने सर्जिकल वार्ड से यहाँ आए हैं और ये कहते हैं कि नहीं सेल्फ, तो सेल्फ कैसे हो सकता भाई, कोई ना कोई तो हमको वहाँ से लाया है। और जब इमरजेंसी में आपने भर्ती किया है तो उस व्यक्ति का पता तो होना चाहिए, नाम तो होना चाहिए या मोबाइल नंबर तो होना चाहिए, वो कुछ हमें बता नहीं रहे। आपका सामान क्या क्या था, आपके सामान? सामान आधा तो सामान वो किसी तरह बटोर करके उसमें रख दिया एक छोटे से थैले में, और जो बड़ा थैला था उसमें हमारी दो डायरियाँ थी, कुछ हमारे स्टेटमेंट थे, पासबुक थी, इस तरह हमारे आधा सामान नहीं है, आधा सामान है। आपके इम्पोर्टेंट नंबर भी थे बता रहे हैं? हाँ, इम्पोर्टेंट क्या, देश विदेश के सारे फ़ोन नंबर उसी में है, डायरियों में दो डायरियाँ हैं बड़ी बड़ी, एक LIC की है, एक बैंक की है, इतनी इतनी बड़ी डायरियाँ हैं, एक एक कुछ की। अच्छा, यहाँ हमने अपने शिष्य का फ़ोन नंबर हमें याद था तो हमने बरेली कर दिया, वो अमरोहा में प्रधानाचार्य है राजेश शर्मा, GIC कॉलेज में जी, राजकीय कॉलेज। तो वो फिर रविवार को हमारे पास आया तो बोले गुरु चिंता मत करो, आप स्वास्थ्य का लाभ लो और इसके बाद में हम इसकी जानकारी करेंगे। तो वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं और वहाँ भी जो है सिस्टर भी नहीं कुछ बता रही है, और हमको आज डिस्चार्ज करने के लिए हस्ताक्षर करवाने के, मैंने कहा हस्ताक्षर ऐसे नहीं करूँगा मैं, जो है स्वास्थ्य मंत्री और योगी आदित्यनाथ के यहाँ सारी सब जगह ये शिकायत जाएगी, ऐसा नहीं कि आप जो स्वतंत्र बच जाएंगे, और मैंने कहा तुमसे हम इलाज भी नहीं करवाएंगे। कौन से वार्ड में भर्ती थे आप? यहाँ इमरजेंसी में भर्ती किए गए थे रात को 9 बजे के लगभग। अभी छुट्टी कहाँ से, आपको छोड़ा कहाँ से? फिर सर्जिकल वार्ड, फिर दूसरे दिन हमको सर्जिकल वार्ड ले गए हैं वो। अच्छा, सर्जिकल वार्ड में भी ट्रीटमेंट चला, और अभी 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 हमारी एक पट्टी अभी अभी लगी भी हुई है एक पट्टी, और ये पूरे पैर में चोट है, इस पर पूरे पैर में चोट है, हाथ में ये सारी चोट है, ये देखिए सर में भी चोट है। अब ऐसी घायला अवस्था में आप लिख देते हो कि सेल्फ, तो ये क्या भ्रष्टाचार के अंतर्गत नहीं है? आखिरकार ये सेल्फ आपने लिख कैसे दिया? अच्छा, उसमें कुछ कैश भी था, कैश कोई ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा से 600 रुपये होगा, 600-700 रुपये, कोई कैश ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुख्य चीज़ हमारी उसमें डायरियाँ थी, क्योंकि उसमें पीते नहीं, तो खैर थर्मस तो दूसरा लिख लें, परंतु मुख्य है हमारी वो डायरियाँ और एक पासबुक। बाबा जी, आपका गुजरात में कहाँ कहाँ पर स्थान है? गुजरात में श्री द्वारका, शारदा पीठ, आप तो चार पीठ है ना भारत में, द्वारका शारदा पीठ है, ज्योतिर्पीठ है, गोवर्धन पीठ है, श्रृंगेरी पीठ है। तो हम यहाँ बरेली, यहाँ पर नैनीताल श्याम खेत के कार्यक्रम में आए थे, वो क्योंकि हमारे शंकराचार्य के शिष्य हैं, तो उनका चातुर्मास विसर्जन के लिए हम आए थे गुजरात से, और गुजरात का हमारे पास ये टिकट भी रखा था कि काठगोदाम तक का, ये प्रॉपर टिकट, हाँ टिकट लीजिए। ये देखिए प्रधानमंत्री के गुजरात से आए हुए संत हैं और इनके पास टिकट भी है और इनके साथ जो बदसलूकी की है वो खुद ब खुद सुनवाएंगे। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र के हैं और शंकराचार्य खुद को बता रहे हैं। बता क्या रहे, तो मैं तो आपको आपको टिकट दिखा देंगे। ये देखो गुजरात का टिकट भी दिखा रहे हैं, गुजरात के सबूत भी हैं। मेहसाणा जंक्शन टू काठगोदाम, देखिए इस तारीख को हम वहाँ पहुँचे हैं कार्यक्रम, जंक्शन से काठगोदाम तक का टिकट, मेहसाणा जंक्शन टू कानपुर है वो काठगोदाम, मेहसाणा जंक्शन ये गुजरात, हाँ मेहसाणा जंक्शन गुजरात में अहमदाबाद के बाजू में, और नरेंद्र मोदी का ही वो गृह जनपद है। देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ के हैं, उनके गृह जनपद के हैं ये बाबा, शंकर सिंह बाघेला भी वहीं के हैं, शंकर सिंह बाघेला भी बता रहे हैं वहीं के हैं, और इनके साथ बरेली में जो हो रहा है वो खुद व खुद बयान करने जा रहे हैं बाबा, हम सुनवाते हैं उनके बोल। बाबा क्या चाहते हैं? अरे भाई, हमको ये तो पता चले कि आखिरकार हमको छोड़ने कौन आया है यहाँ। हम उन्होंने लिख दिया सेल्फ, सेल्फ हम वहाँ से यहाँ तक पैदल आ सकते हैं, आप हमें बताइए जो इतनी गंभीर स्थिति में है वो यहाँ तक पैदल कैसे आएगा। अच्छा, ऑटो से मैं उतारा भी, और वहाँ जो दो वार्ड बॉय थे ना, उनके बहुत ही वो साधु समझ करके, वो शायद ना हमारे दूसरे धर्म के लोग थे, तो उन्होंने बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया। अच्छा, कभी कहें जमीन में लेट जाइए, कभी कहें उधर लेट जाइए, तो हमें वो एक वो वहाँ शिष्य बोली 8 नंबर खाली, आप 8 नंबर में लेट जाइए जाके। 8 नंबर में हम लेट गए तो वो दोनों फिर आए हमारे पास में, मुझसे दाढ़ी रखाए वही थे,
तो उन्होंने कहा नहीं आप उठिए, ये दूसरे की सीट है। फिर हमको घसीट करके ले गए और वहाँ ले जा करके बोले यहाँ ज़मीन में लेट जाइए, यहाँ लेट जाइए। फिर मैं डॉक्टर से कहा, मैंने कहा भाई ऐसी हालत में है, खून टपक रहा है और ये हमें कह रहे हैं यहाँ ज़मीन लेट जाओ। तो उन्होंने फिर वही 8 नंबर जो खाली सीट थी उसी में हमको वो किया। और इसके बाद में अरे नाम तो बहुत, 4 पंक्तियों में आएगा, शॉर्ट में ही लिख दिए, श्री द्वारका शारदा पीठ जगतगुरु शंकराचार्य त्रिलोकी स्वरूप तीर्थ, त्रिलोकी स्वरूप सेठ। अरे अरे हमारे बहुत स्टेटमेंट आते हैं वक्तव्य। ऐसा हुआ मैं क्योंकि ठंडे क्षेत्र से आया था और थोड़ी सी पानी की फुहार पड़ रही थी, तो मैंने कहा स्टेशन ने चोपड़ा से 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर होगा, तो मैंने कहा चलो ठंडी फुहार में चलेंगे। और नैनीताल से आए, ठंडे क्षेत्र से गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपना सामान दोनों हाथों में पकड़ा और जंक्शन की तरफ बढ़ गए हम। तो हमने कहा वहाँ अभी कोई गाड़ी का समय नहीं है, 8:30 बजे का समय था, तो मैंने कहा अभी कोई गाड़ी का समय नहीं, जब गाड़ी होगी वहाँ पुनः टिकट या आरक्षण करें, नहीं आरक्षण मिलेगा तो जनरल बोगी में बैठ करके लखनऊ निकल जाएंगे। और कानपुर हमें जाना था, तो लखनऊ में भी हमारा भक्तों से कार्यक्रम था, वहाँ भी नहीं जा पाए और कानपुर में भी नहीं जा पाए। कानपुर हमारा कन्या भोज होना था कल सोमवार को, तो कानपुर में तो मैंने दिल्ली फ़ोन कर दिया, वो लोग भक्त लोग आके हमारा कन्या भोज कर दिया, पैसा हम पहले दे दिया था, कन्या भोज हो गया मेरा। अब यहाँ मैं फंस गया और उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं, अब ये हमको डिस्चार्ज कर रहे हैं। हम ये अस्पताल में कैसे आए आप, हमें जान कर रहे हैं भाई, हमको कोई ऑटो में बैठा करके, तो मैं तो बेहोशी में पड़ा था। कहाँ पड़े थे आप? ये जंक्शन और चोपड़ा के बीच में। बेहोश कैसे हुआ है? किसी ने पीछे से हमको यहाँ पर टक्कर लगी है और उससे गिरे। अब तो ये खैर ये चोटें ये सब कुछ ख़त्म हो गई और नहीं अभी भी हमारा स्थिति, क्योंकि मैंने उस दिन से पानी नहीं पिया है। मामला क्या है? बाबा जी 22 तारीख को भर्ती होते 10:45 पर, इसमें जो फाइल में लिखा हुआ है सेल्फ एक्सीडेंट इंजरी लिखा हुआ है, इसमें लाने वाले का किसी का नाम नहीं लिखा है इसमें। और इसके बाद EMO जो डॉक्टर ड्यूटी पर था रात में, उसने इनको एडमिट कर दिया। सर्जन ने भी देखा है इनको, कान के डॉक्टर ने भी देखा है, उनके हिसाब से बाबा जी को दवाई देकर के घर जाने की स्थिति में है, छुट्टी बना दी है। अगर बाबा जी चाहें तो मैं छुट्टी इनकी रोक सकता हूँ 2 दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाँव लखनऊ के लिए, मैं बरेली से संजीव गंभीर।